वेलकम टू अविक चैनल। सो जैसे कि अविक की बुआ आई हुई हैं, सो हमने सोचा सारी बच्चा पार्टी को घुमाने लेके जाया जाए कहीं, तो हम लोग उनको अम्यूजमेंट पार्क लेकर गए थे। क्यों बैठो मम्मी? जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? यस, कहाँ जा रहे हैं? तो देखा आपने, अभियुक्त ने मुझे, जब तक मैं बैठी नहीं वो मुझे बुलाता रहा। सो ये एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट है जो मैंने नोटिस किया है, जब हमारे घर में और भी बच्चे हैं और वो उनके साथ जलप बहुत कम होता है, बट यस उनको देख के थोड़ा थोड़ा वो बोलना सीख रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर के सबसे नियर बाय अम्यूजमेंट पार्क आनंदम में। सो ओवरऑल इट इज़ गुड, नॉट वेरी बिग, बट हाँ जो स्टाफ था इस पार्क का, जो स्टाफ था वो बहुत ही वर्स्ट था। इसे क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और ठीक उस जगह पे बताऊँगी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। एंड अभी ये है वहाँ का एंट्री पॉइंट जहाँ से पहले हमें टिकट लेना होती है। चार्जेस 100 रुपये एंट्री फीस है, प्लस जो भी आप पैकेज लेते हो 300 to 500 के बीच। यहाँ पे जो बाउंसर दीदी हैं अभी तुमको अपनी कैप ऑफर कर रहे हैं, और वो बच्चों को बैंड लगा रही हैं जो एंट्री से पहले लगाए जाते हैं, सो दैट जो भी एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं उस पर एक टिक करते जाएं। हाँ, दोनों को पिंग पिंग लगाया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू। अभियुक्त यहाँ पे 3 से 4 बार आ चुका है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ न्यू नहीं था, बट हाँ दीप्त्या के लिए फर्स्ट टाइम था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई अंदर जाने के बाद। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ। सो हुआ ये कि जब अभियुक्त सॉफ्ट प्ले में जाता है तो यूजुअली मैं वहाँ के स्टाफ से बोलती हूँ कि आप मेरे बच्चे को थोड़ा सा असिस्ट कर दीजिए, बिकॉज वो खुद से नहीं कर पाएगा। तो वहाँ की जो फीमेल स्टाफ थी उन्होंने तो मना कर दिया, बट देन आई रिक्वेस्टेड कि आप मेल स्टाफ से बोलिए जो शायद हेल्प कर देगा अंदर जाके बच्चे की। सो जब वो बोलने गई तो मैंने अपने कानों से सुना, ई सेड कि मैं नहीं जाऊँगा, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, चोट लगेगी तो अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सो दिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो हमने वो अपना कंसर्न रेज किया। सो ओवरऑल केवल ये मिकी माउस ही था जो अभियुक्त ने फ्रीली एंजॉय किया, एंड सॉफ्ट प्ले इवन द ट्रेन जो स्टाफ था ट्रेन का वो भी सिमिलर काइंड ऑफ था। If you are in Indore and you want to visit this place, parent, and आपके बच्चों को कोई भी स्पेशल नीड है तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा फ्री प्ले कर लेता है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप यहाँ जाने का प्लान बनाइए, बिकॉज़ अगर आपके बच्चे को थोड़ी भी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके बच्चे की हेल्प करेगा। सो हमने यहाँ पे मुश्किल से बच्चे को 10 मिनट ही स्पेंड करने दिया, बिकॉज़ हमें डर लग रहा था कि अभी तो ऊपर चढ़ रहा था और फिर वहाँ से जंप करने का ट्राई कर रहा था, इनकेस अगर वो इतने ऊपर से जंप करता तो उसको डेफिनेटली चोट लगती, चाहे ये प्लेस कितना भी सिक्योर हो। तो हमने विद इन 10 मिनट्स अभियुक्त को यहाँ से बाहर निकाल लिया, एंड उसके बाद हम उसको ट्रेन पे लेके गए, एंड वहाँ पे भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हुआ। एंड दिस वाज ओवरऑल अ सैड एक्सपीरियंस, मैं हार्डली कभी और विजिट करूँगी ये प्लेस। अपन देखेंगे, हाँ बस आप पकड़ के रखना, हालांकि वो कुछ करेगा नहीं। यू कैन सी आफ्टर मच रिक्वेस्ट एक स्टाफ अभी के साथ बैठने रेडी हुआ। गुड, बहुत अच्छा किया आपने ना, आ जाओ, बहुत अच्छा किया। इतना सारा प्ले करने के बाद तीनों ही बच्चे बहुत थक गए थे, तो हमने उनको स्विंग कराया, एंड एट लास्ट अभियुक्त ने जो अपना क्लाइंबिंग एंड बाकी के जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ थी वो करी, एंड खाना खिलाया बच्चों को और हम घर लेके आ गए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।